गुड मॉर्निंग क्लास एट स्टूडेंट्स. सो टुडे इन दिस वीडियो आई विल टीच यू अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड दिस इज़ इन पेज नंबर 34 ऑन पेज नंबर 33 एंड 34 इन योर ग्रामर बुक. सो यू स्टूडेंट्स वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. ओके नाउ लुक हियर व्हाई वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो दिस टेंस इज़ यूज फॉर सच कंप्लीटेड एक्शंस विच हैव देयर इफेक्ट ऑन प्रेजेंट टाइम. सच कंप्लीटेड एक्शंस, ऐसी एक्शंस जो हो चुकी होती है लेकिन उनका जो इफेक्ट जो होता है, उनका प्रभाव जो है वो प्रेजेंट टाइम पर, प्रेजेंट के वक्त पर होता है. ठीक है. हेल्पिंग वर्ब्स है ऑफ दिस टेंस आर हैज एंड हैव. इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो है वो है हैज और हैव. हैज जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में यूज होती है. ठीक है. वाइल हैव इज़ यूज विथ सब्जेक्ट्स अदर देन थर्ड पर्सन. अच्छा, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या हुआ? ही शी इट. ठीक है, उसके साथ में हैज़ का यूज़ करना होता है. और हैव जो है वो अदर देन थर्ड पर्सन. अदर देन थर्ड पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन, आई, वी, यू, दे. ठीक है. थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इज़ यूज इन दिस टेंस. इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है. नाउ लुक हियर at the table. So affirmative sentences means positive sentences. The formation is like this. We use subject with helping verb has or have with verb third form, which is past participle form plus object. Achha, actions which are completed in the past but their effect is still in the present. Iska matlab kya hota hai? Dekho, she has done her work. They have taken the food. Now, in both of these examples, She has done her work को अगर मैं हिंदी में कहूँगा तो उसने अपना काम कर लिया है. देखो, काम उसने कहीं पास्ट में स्टार्ट किया होगा, चालू करना उसने कहीं पास्ट में हो सकता है. उसने घंटे भर पहले काम स्टार्ट किया होगा. सपोज़ उसके स्कूल का होमवर्क उसने स्टार्ट किया होगा. शी हैज़ स्टार्टेड हर वर्क कहीं पास्ट में. लेकिन अभी वो ये कह रही है या फिर कोई कह रहा है कि उसने ये काम कर लिया है, तो अभी कंप्लीट किया है ना, तो उसका इफेक्ट अभी पर है. उसी तरह से दे हैव टेकन द फूड. पहले उन्होंने खाना नहीं खाया था लेकिन 20 मिनट पहले उन्होंने खाना खाना स्टार्ट किया और अब वो खाना खा चुके हैं. दे हैव टेकन द फूड. तो दोनों सेंटेंसेस के अंदर जो इफेक्ट है ना वो प्रेजेंट पर पड़ रहा है. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम तब यूज़ करते हैं जब कंप्लीटेड एक्शंस जो होती है जिसका इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट पर पड़ रहा होता है. ठीक है, इसलिए हम यूज़ करते हैं. नाउ यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये जो डन है और टेकन जो है, यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है. डन कैसी, और डन किसकी हुई? डू, डिड, डन. डू फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म और डन थर्ड फॉर्म. उसी तरह से टेकन का हो गया, टेक, टुक और टेकन. ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना आपको. इसके अंदर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यू हैव टू यूज़ विथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव. और ये मैं बता चुका हूँ, हैज़ जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में और हैव जो है उसके अलावा, जो कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है उनके साथ में यूज़ किया जाता है. ठीक है, उसी तरह से देखो, नेगेटिव के अंदर कुछ भी नहीं है. यू हैव टू यूज़ नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब. हैज़ हैव प्लस नॉट एंड द रेस्ट वन विल बी द सेम. सो अगर उसी का बनाना है तो शी हैज़ नॉट डन हर होम वर्क. उसने अपना काम नहीं किया है. दे हैव नॉट टेकन देयर फूड. उन्होंने अपना खाना नहीं खाया. देखो ये एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स में आपको ये चीज़ पता हो चलेगी कि कोई भी चीज़ है वो रिसेंट पास्ट में कोई काम कंप्लीट हुआ है लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो प्रेजेंट पर पड़ रहा होता है. तो इसका ध्यान रखना. इंटरोगेटिव में टू टाइप्स के होंगे, यस नो और डब्ल्यू एच टाइप. यस नो में या तो जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर इधर यस और नो से देना होता है. जैसे कि देखो, पर इसकी इंटरोगेटिव की फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ जाएगी एंड देन द रेस्ट वन लाइक सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. उसी तरह से डब्ल्यू एच के अंदर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब से पहले डब्ल्यू एच आ जाएगा. डब्ल्यू एच का मतलब हो गया वॉट, वाई, वेयर, वैन. ठीक है, ये जितने भी वर्ड्स है वो स्टार्टिंग विद डब्ल्यू एच, दैट्स वाई वी से डब्ल्यू एच वर्ड्स. सो आफ्टर डब्ल्यू एच वर्ड वर्ड्स वी यूज हेल्पिंग वर्ब हैज हैव एंड देन द रेस्ट वन जस्ट लाइक द अबव, सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. सो नाउ लुक हियर, यस नो वाला हम देखते हैं इंटरोगेटिव में क्या है. सो हैज शी डन हर वर्क, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया. हैव दे टेकन देयर फूड. अब आपको ये पता है ना कि यहाँ हैज क्यों आया और यहाँ हैव क्यों आया, बिकॉज ये दे जो है वो क्या है, इट इज थर्ड पर्सन प्लूरल. ओके, और हम
हैज़ का यूज़ करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, जैसे कि शी है, ही शीड डन देयर वर्क, हैज़ शी डन देयर वर्क, क्या उसने अपना काम कर लिया है, क्या उन्होंने खाना खा लिया है, ठीक है। उसी तरह से डब्ल्यू एच के साथ में पहले आ गया कि वेन हैज़ शी डन हर वर्क, वेन मतलब कब, रेफर्स टू टाइम। उसी तरह से वेन हैव दे टेकन देयर फूड, उन्होंने अपना खाना कब खाया, ठीक है। तो अब ये इसी तरह से इंटरोगेटिव नेगेटिव भी होता है, जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब सेम रखनी होती है पहले, एंड देन सब्जेक्ट और उसके साथ नॉट लगाना होता है। और डब्ल्यू एच में भी सेम, पहले डब्ल्यू एच देन हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट के साथ में नॉट लगाना पड़ता है। जैसे कि हैज़ शी नॉट डन हर वर्क, क्या उसने अपना काम नहीं किया है। हैव दे नॉट टेकन देयर फूड, क्या उन्होंने खाना नहीं खाया है। वाई हैज़ शी नॉट, क्यों उसने काम नहीं किया है, या फिर वाई हैव दे नॉट टेकन देयर फूड, क्यों उन्होंने खाना नहीं खाया, ठीक है। आई थिंक इट्स ईजी, वी जस्ट नीड टू लुक एट द एग्जाम्पल्स, देन इट विल बी। दिस टेंस इज यूज, इसका यूसेज कहाँ पर होता है, टू एक्सप्रेस सच एक्टिविटीज़ विच हैव बीन कम्प्लीटेड इन द इमीडिएट पास्ट। इसको ध्यान रखना, इमीडिएट पास्ट को मतलब जस्ट अभी हुई होती है ऐसी कोई एक्शंस, उनके लिए हम इस टेंस को यूज़ करते हैं। जैसे कि आई हैव जस्ट टेकन माई लंच, तो देखो ये जो जस्ट यहाँ पर है ना, मैंने अभी ही लंच लिया है, आई हैव जस्ट टेकन माई लंच, सो आई एम नॉट हंग्री, थैंक यू, आई हैव जस्ट टेकन माई लंच, मैंने जस्ट अभी ही मेरा लंच खाया लिया है। उसी तरह से सेकंड है, शी हैज़ रिसेंटली, तो देखो यहाँ पर क्या है, रिसेंटली शी हैज़ रिसेंटली मेट हिम अबाउट द मैटर, वो उससे अभी अभी इस सिलसिले में मिली है। तो मेट क्या हो गया यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसी तरह से टेकन यहाँ पर हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो यू नीड टू लुक फॉर लुक आफ्टर द वर्ड्स लाइक जस्ट एंड रिसेंटली, ठीक है। बोथ ऑफ दीज वर्ड्स शोज एक्टिविटीज़ विच हैव बीन कम्प्लीटेड इन द इमीडिएट पास्ट, मतलब जस्ट पहले हुई हुई ऐसी घटना होती है, ठीक है। सेकेंड है, टू एक्सप्रेस सच एक्शंस विच हैव बीन कम्प्लीटेड इन द नियर पास्ट एंड देयर इफेक्ट रिमेन्स इन द प्रेजेंट, मतलब ऐसी एक्शंस जो कि जस्ट पहले पास्ट में हुई होती है लेकिन उनका इफेक्ट प्रेजेंट में भी होता है। जैसे कि ऊपर बताया गया था, इट इज़ लाइक सेम, ये अभी सेम है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर टेबल में समझाया था, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, आई हैव टेकन माई फूड, आई हैव इन्फॉर्म्ड हिम। तो देखो इसका मतलब यहाँ बता रखा है कि अब मैंने मेरा काम कर लिया है, सो नाउ क्या, अभी प्रेजेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कि मैंने मेरा काम कर लिया तो नाउ आई एम फ्री, नाउ आई कैन गो टू प्ले, अब मैं बाहर खेलने जा सकता हूँ, इफेक्ट पड़ रहा है ना प्रेजेंट पर, कि मैंने अभी मेरा काम कर लिया है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, जो कि मैं 2 घंटे पहले से कर रहा था चालू, 2 घंटे पहले स्टार्ट किया था और अब मैं कर चुका हूँ, तो नाउ आई एम फ्री। उसी तरह से सेकंड में क्या है, आई हैव टेकन माई फूड, अब मैं और नहीं खा सकता, नाउ आई एम फुल, बिकॉज आई हैव टेकन माई फूड, नाउ आई एम फुल, अब मेरा पेट भरा हुआ है। आई हैव इन्फॉर्म्ड हिम, तो अभी अभी मैंने उसको रिसेंटली मैंने उसको इन्फॉर्म किया है, ठीक है। सी है, टू एक्सप्रेस सच एक्शंस विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड नॉट हैव बीन कम्प्लीटेड। अच्छा, इसका यूसेज यहाँ पर भी होता है, ऑल्दो ये बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी इट इज़ कि जो एक्शंस जो है पास्ट में चालू हो चुकी होती है लेकिन उनका काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ होता है। जैसे कि आई हैव ईटन नथिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, ईटन नथिंग, ठीक है, ईटन वर्ब थर्ड फॉर्म। यहाँ पर नथिंग लगने से ये क्या हो गया कि काम जो है वो पहले से स्टार्ट हुआ है। व्हाट इज़ दिस, बिकॉज ही आई हैव ईटन नथिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से मैं भूखा हूँ। उसी तरह सेकंड है, शी हैज़ बीन हियर फॉर सम टाइम, वो यहाँ कुछ वक्त से है, इट मीन्स शी इज़ हियर फॉर सम टाइम एंड शी स्टिल इज़ हियर, कि कुछ वक्त से वो यहाँ है और हो सकता है कुछ वक्त वो और यहाँ पर रहेगी। नाउ कीप दिस थिंग इन माइंड, डू नॉट यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लाइक हैज़ हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, इफ टाइम फ्रेज लाइक यस्टरडे, लास्ट डे, वीक, मंथ, ईयर एट्सेट्रा इन प्रेजेंट इज प्रेजेंट इन द सेंटेंस, यूज़ पास्ट सिंपल या फिर पास्ट इनडेफिनेट फॉर देम, एज आई हैव मेट हिम लास्ट वीक, तो ये गलत होगा, आई मेट हिम लास्ट वीक ये सही होगा। अच्छा, अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यस्टरडे का मतलब क्या हुआ, कल, बीता हुआ कल। लास्ट डे का मतलब क्या हुआ, वही वापस वही होता है, या लास्ट डे का मतलब भी यस्टरडे होता है, बीता हुआ कल, ठीक है। तो लास्ट ईयर, तो ये जो होते हैं ना, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना होती है, ये बात करते हैं कि पास्ट की, ये इमीडिएट पास्ट की बात नहीं कर रहे, बीता हुआ कल मतलब जो कि गुजर चुका है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में आप यूज़ नहीं करोगे, जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है तो उसका प्रेजेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट आप तब यूज़ करोगे जब किसी चीज़ का, कोई एक्टिविटी का जो है वो फ़र्क जो है वो प्रेजेंट में पड़ रहा होता है,
जैसे कि आई हैव मेट हिम लास्ट वीक, मैं उससे पिछले हफ्ते मिली थी, आई हैव मेट हिम लास्ट वीक, तो आप इसको यूज़ नहीं करोगे, उसकी जगह आप सीधा यूँ बोल दोगे आई मेट हिम लास्ट वीक। देखो सुनने में ये भी सही लग रहा है, आई हैव मेट हिम लास्ट वीक, कि मैं उससे पिछले हफ्ते मिली हूँ, तो वो क्या हो गया कि बट यूँ आप उसको इंग्लिश में क्या होगे कि आई मेट हिम लास्ट वीक, तो ये हो गया सिंपल पास्ट। तो अगर आपको लास्ट वीक, लास्ट संडे, लास्ट मंथ, यस्टरडे अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो आप उसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ नहीं करोगे। नाउ स्टूडेंट्स, देर इज़ वन मोर थिंग इन दिस। नाउ फॉर एग्जाम्पल, इफ फोर एंड सेंस आर प्रेजेंट इन सेंटेंसेज, अगर सेंटेंसेज के अंदर फोर और सेंस हो, देन यूज़ ईदर परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सो अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज़ येट टू स्टार्ट, हमें अभी स्टार्ट करना बाकी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, लेकिन उसके अंदर फोर और सेंस का यूज़ होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर भी होता है अगर वहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर फोर और सेंस मिला हुआ है और आपको ऐसा लगता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो आप वहाँ पर भी लिख सकते हो। हालांकि ऐसे बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर ये फोर और सेंस वाला थोड़ा कन्फ्यूजिंग मैटर होता है, तो मोस्टली वो जो फोर और सेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर ही देते हैं, बट स्टिल वी हैव टू डू दिस। दिस इज़ ऑन योर पेज नंबर 34 के ऊपर ही ऊपर है जो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ यहाँ पर। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल को देखो, आई हैव लिव्ड इन जयपुर फॉर 2 ईयर्स। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो इस बुक के अंदर नहीं बताई गई है, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम एक्सपीरियंस के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर किसी को कोई एक्सपीरियंस होता है किसी चीज़ का, फॉर एग्जाम्पल आई हैव टॉट इंग्लिश टू मैनी स्टूडेंट्स, मैंने बहुत बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई हुई है, आई हैव टॉट, ठीक है, टीच, टॉट, ठीक है, तो आई हैव टॉट इंग्लिश टू मैनी स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं अभी पढ़ाना बंद कर दूंगा, ये ऐसी कोई बात हो ही नहीं रही है, बहुत बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। तो उसी तरह से यहाँ पर यूँ है कि आई हैव लिव्ड इन जयपुर फॉर 2 ईयर्स, तो ये यहाँ पर सिर्फ ड्यूरेशन शो कर रहा है कि 2 साल मैं जयपुर रहा हुआ हूँ, तो दिस इज़ हिज एक्सपीरियंस। ये यहाँ पर बताया हुआ नहीं है आपकी बुक के अंदर कि एक्सपीरियंस के लिए है, लेकिन आप इसको समझो ऐसे कि एक्सपीरियंस के अंदर भी हम अगर किसी को, एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, 2 सालों से जयपुर रहा हुआ हूँ, तो ही नोज़ अबाउट जयपुर, वो जयपुर को जानता है, जयपुर की गलियाँ पहचानता है, ठीक है। तो ये देखो, आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 2 ईयर्स, तो ये वाला जो है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया पूरी तरीके से, जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है इस पर आपको फोकस करना है, कि ऐसे भी आप जब आपको ड्यूरेशन शो करनी होती है तो आप ऐसे भी प्रेजेंट परफेक्ट में कर सकते हो फॉर 2 ईयर्स। और सेंस का यूज़ हम कब करते हैं, देखो ड्यूरेशन के लिए हम 4 का यूज़ करते हैं, सेंस का यूज़ हम तब करते हैं जब हमको पॉइंट इन टाइम शो करना होता है, ठीक है। जैसे कि आई हैव लिव्ड इन जयपुर सिंस 2015, बट फॉर नाउ यू नीड टू जस्ट शो हाउ मच अमाउंट ऑफ टाइम, तो वहाँ पर आपको फॉर 2 ईयर्स। उसी तरह से आई हैव बीन इन जयपुर फॉर 2 ईयर्स, मैं जयपुर 2 सालों से हूँ, आई हैव बीन इन जयपुर फॉर 2 ईयर्स। सो हाउ टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एडवर्ब्स और एडवर्बियल्स, जैसे कि टिल नाउ, येट, सो फार, एक्सेट्रा, जस्ट, रिसेंटली, ये एडवर्ब्स होती है, आर कॉमनली प्रेजेंट, जो कि कॉमनली होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आपको मिल जाएगी, उससे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचान सकते हो, टिल नाउ, येट, सो फार, जस्ट, रिसेंटली, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग।